हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द निर्वाल व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। गाइस, कल सोनू डॉक्टर पर इन गैलेक्सी की तबीयत ख़राब हो रही थी, कुछ खाने रही थी, तो उसने इसके लिए एफएमएस की दो शीशी दी है, दो टोनी खिलाया था। जब एक ख़त्म हो जाएगा दूसरा शुरू कर देना, ये रोकने नहीं है उसके लिए। और इनके नहाने का शैम्पू भी ख़त्म हो रहा था, एक शैम्पू मंगवाया था ये हिमालय एरिना ईपी का, और एक ही पाउडर का डिब्बा भी मंगवाया था इनके लिए। आज इनको ले लाते हैं लैक्सी को मोली पी और उसे छोटे से पिल्ले को भी, फिर दिखाते हैं आपको। गाय साहब, एक बार इसको लैक्सी को नहला देते हैं, हम इसको चलते हैं लेकर इसे। आओ लैक्सी, ये अपनी बाल्टी अपने आप अपने मुँह में ले रही है। लीव लीव इसे बस दोस्तों। अब इसकी बाल्टी में जरा पानी खोल देते हैं, फिर नहलाते हैं इसको। अब ये पाइप जोड़ देते हैं और उसमें टंकी में उधर गेट में इसको बांध देंगे लैक्सी को, फिर दिखाते हैं इसको नहलाते हुए। हम जोड़ दिया है उधर, देखो आ गया पानी भी। चल नू आप बोलते रहिए, मैंने बोल देखो भाई, इसको शैम्पू तो लगा दिया है लैक्सी को, पहले पानी लगा दिया था, शैम्पू लगा दिया है। इसके बाल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, गंदे हो रही है बिल्कुल, धूल ही धूल जाएगी क्योंकि मट्टी में सिली सी रहती है। अब बिल्कुल साफ कर दिया है इसे, अब जरा इसके ऊपर पानी छिड़कते हैं, पानी से बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब देखना कुछ मिनट में कैसे करने लगेगी, फिलहाल तो काम देंगे तो मेरा हाथ लग रहा है उसके ऊपर, देखिए। अब ये बिल्कुल शांत हो गई है, वरना छिड़ गया पहले, जब पहले पानी छिड़ते थे बहुत अच्छी नहीं होती थी। बस चल भाई जी, लैक्सी के मुकाबले चार बार ना लेगी, लैक्सी के बालों में इतना ज़्यादा शैम्पू लगता है और इसका एक बार के में ही हो जाता है काम। गाय जिसको पाउडर भी लगा दिया है अच्छी तरह, जिससे कोई इसको खाज खूज या कुछ खुजली हो सब मिट जाए, इसलिए इसको पाउडर पाउडर भी लगा दिया अच्छी तरह। अब ये खेलना चाह रही है, इसको अभी पानी पिलाया था, धूप में बंधते प्यास लग गई थी इसको। अब जरा इसको एक बार खोल देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कैसे भागती है खुलते ही। खोल दिया ऐसे, लैक्सी पकड़, देखिए कितने खुश हो रही है ये बहुत जालीदार। दोस्तों नहाने के बाद कुत्ता बहुत खुश होता है हमेशा। आज मौली को भी नहला दिया है, देखिए कितनी सुंदर हो गई है, ये अंदर जाना चाहती है अभी घर में, पर गेट बंद है नहीं जा पाएगी। देखिए कितनी
बेचैन हो रही है अंदर जाने के लिए, अंदर पोचा लग रहा है, गंदा खरीदेगी, इसलिए इसको अभी थोड़ी देर बाहर ही रखेंगे, जिससे सूख सी जाए थोड़ी सी, फिर चले जाएगी अंदर। गाइस आज हमारी बच्ची के गाय है, बच्ची है इसका नाम, इसके पैर में थोड़ा सा दर्द सा हो रहा था, इसलिए अंकल को बुलाया था। अंकल ने गोली लिखी है, कौन सी है अंकल, गोली का नाम क्या है? टीना मैग। अंकल बहुत अच्छी दवाई लिखती है, कितने दिन तक देनी है गोली? या होगी 200 रुपए की। कितने दिन तक देनी? 4 दिन तक। 4 दिन तक देनी, कोई बात नहीं, आगे कोई दिक्कत तो नहीं आवे फिर? ना, कुछ नहीं आएगी। दोस्तों अंकल को संपर्क करें, नंबर भी बोल दो आज तुम, एक बार अपना बोल रखा पहले, भी बोल दो 98-377 98-377 55-217। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत हो अंकल को संपर्क करें, पशुपालन विभाग के लिए अंकल बिल्कुल उच्च कोटि के स्तर पर है, अंकल से बात करें, धन्यवाद। गाइस अभी हम बाबा जी के पास आए थे आज, हमारे अंकल तो जा रहे हैं बाहर, बाबा जी थे, इन्होंने गाय की दवाई ली है इनसे, इन्होंने मैंने आज ध्यान दिया है, मैं बहुत साल से आता हूँ दुकान पे, इन्होंने लगवा रखा है, कई साल पुराना आयो यो, इसमें हरे राम हरे कृष्ण की आवाज़ आती रहती है, देखिए हरे हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे हरे, आवाज़ कम से कर दो। यो कितने साल पुराना है? बढ़िया चीज है, अभी हरे राम सारा दिन सुनते रहो, या नहीं मानते? ये तो मैं दोरे दिलती में ध्यान नहीं कराया, यही नहीं देता हूं आज। तो गाइस हमारे बाबा जी बहुत अच्छे हैं, आशीर्वाद दो जरा। जय हो गाइस, इनकी दुकान पर सामान लो, जिसे भी लेना है गायों का सामान सब मिलता है इनकी दुकान पर, गायों के गद्दे सब कुछ, क्यों जी? सही बात जी। गाइस अभी आइसक्रीम खा रहा था, ये चॉकलेटी फ्लेवर है, चॉकलेटी वनीला फ्लेवर, बहुत टेस्टी है ये। गाइस अभी दोबारा आइसक्रीम ली है वनीला फ्लेवर की, क्वालिटी वॉल्स की है, बहुत अच्छी है। गाइस आज इसमें तसले में पानी रखा है कबूतरों के नहाने के लिए, देखिए सभी के सभी नहाने लग रहे हैं, ये नहा भी चुके हैं कुछ तो, ऐसे नहाते हैं ये, देखिए कबूतरों का नहाना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। अभी एक तसले में और भर देता हूँ पानी, जिससे सभी के सभी कूद जाए पानी में और नहाने लगे, नहाकर इनका मन बहुत खुश हो जाता है। गाइस अब जरा देखते हैं दूसरे तसले में पानी भरकर, ये देखा दूसरा तसला ये है, ये बिल्कुल गंदा हो रहा था, इसे साफ कर दिया है। देखिए कैसे नहा रहे हैं सभी के सभी, एक दूसरे के साथ लड़ने लग रहे हैं नहाने के लिए, देखिए वो लड़ने लगे। देखिए रख दिया दूसरा तसला भी यहाँ पर, नालो बैठे नालो, ओहो नालो बैठा नालो साहब, बस इन्हें भी बाहर चलो भाई। देखिए सब बाहर निकाल दिया दोस्तों, देखिए उसमें भी नहाने लगे हैं और कुछ इसमें नहा रहे हैं ये, क्योंकि दोस्तों गर्मी हो रही है, गर्मी का मौसम है और नहाना तो इन्हें पसंद आई है। खैर कबूतरों को दोस्तों, कबूतरों को नहाना इतना ज़्यादा पसंद होता है कि ठंड में भी नहा लेते हैं। ना बेटा ना, गाइस देखिए अब सभी के सभी पानी में अंदर बढ़ गए हैं, निकलने लग रहे हैं ना ना कर, और देखिए धूप भी सेकने लग रहे हैं सब, यहीं पे बैठकर धूप सेक रहे हैं ये सारे के सारे, देखिए वैसे सेक रहे हैं वहाँ पे धूप, ऐसे मजे से इंजॉय कर रहे हैं पूरा। दूसरा बच्चा भी तो आया था रात, हाँ हाँ आ गया था, वो फिर भाग गया, आ जाएगा। देखे दोस्तों कैसे नहा रहे हैं मजे से, ये यही तो है वो दूसरा जो उनसे उल्टाया, वो भाग गया। गाइस अभी पापा सतूत लेकर आए थे, इन्हें जो है पानी में डाल देता हूँ, थोड़ी देर भगोने में रख दिए हैं, अब इनमें पानी भर देता हूँ, जिससे इनमें अगर कुछ गंदगी हो सब साफ हो जाए।
देखिए दोस्तों में भर दिया है पानी, पानी साफ हो जाएगा तो एक डेढ़ घंटे ने ऐसे ही रख देंगे, बाद में ने पानी से निकाल कर बाहर जब खाएंगे बहुत अच्छे लगते हैं सतूत। गए थे पापा खरबूजे लेकर आए थे, खरबूजे का भी मौसम आ गया है अब, बहुत अच्छे है मीठे है खरबूजे, बहुत अच्छा लग रहा है। गाय अब निकाल लिया है सतूत तेरे, देख कितने अच्छे है सतूत, देसी सतूत है, पिछली बार वो अलग थे ये अलग है, वो इससे थोड़े से बड़े बड़े थे दिखने में, साइज में थोड़े से छोटे हैं, पर ये भी अच्छे लग रहे हैं, मीठे है बहुत ज़्यादा। आप भी आ जाओ खा लो सतूत दोस्तों, बहुत अच्छे हैं ये। गाइस वो सांप की जो मौसी थी उस दिन काटा था वो एरी, देखो फिर से कहाँ पर जाली इस मंदिर चली गई है, मैंने हाथ लगाया था डर के इसमें, इसके नीचे चली गई थी, इसके नीचे से वहाँ पर चली गई। गाइस इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो का एंड, मिलते हैं आप लोगों से कल, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर कमेंट करें, थैंक यू।